फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल रक्षा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको हरी मटर को साल भर के लिए स्टोर करना बताऊंगी। हम लोगों को ज़रूरत जब भी होती है तो हम लोग मार्केट से फ्रोज़न मटर लेकर के आते हैं, वो हर समय अवेलेबल रहती है, वो भी मार्केट में। तो क्यों ना फ्रोज़न मटर हम घर पर ही बना करके रखें, जब ज़रूरत हो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मटर हमारे यहाँ केवल सर्दियों के मौसम में आती है, बकाया सिर्फ हमें मार्केट से फ्रोज़न मटर ही खरीदनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी मटर को स्टोर करने का। इसे आप पूरी साल के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। तो मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटर के दाने लिए हैं, क्योंकि मैं अभी मटर को स्टोर नहीं कर रही हूँ। मैं मटर को स्टोर करती हूँ बिल्कुल आखिरी में, यानी कि फरवरी के लास्ट में, तब मटर आना बंद हो जाती है। तो अभी मटर आ रही है खूब, तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो के लिए वीडियो में ये बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मटर ही ली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह की मटर लेनी है। तो आपको मटर लेनी है बड़े दाने वाली, यानी कि भरी हुई मटर होनी चाहिए, एकदम पोची मटर नहीं होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे से दाने निकलते हैं। वो आपकी साल भर तक नहीं टिकेगी और जल्दी ही सड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो आपको भरा एकदम टाइट दाना लेना है, आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम हरी मटर आप ना लें, थोड़ा सा जो दाना कड़ा होता है, मटर कड़ी सी हो जाती है, आप उसको लें। तो यहाँ पर आपको मटर लेना है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, इसमें जो कूड़ा हो या कुछ भी हो उसको आप बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़े साइज़ की मैंने मटर के दाने लिए हैं, जिसको मैंने छील लिया है। तो चलिए अब हम अपने गैस की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर एक भगोने में रखा है पानी। पानी आपको इतना लेना है कि आपकी जो मटर है वो अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने करीब 1.5 लीटर पानी यहाँ पर लिया है। पानी को हम गर्म होने देते हैं, तब तक आपको गर्म करना है जब तक कि पानी में एक खौल ना आ जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पानी हमारा उबाल आना शुरू हो गई है। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको करीब 250 ग्राम मटर के दाने में एक छोटा चम्मच चीनी डालनी है। अब आप कहेंगे कि मटर के दानों में चीनी, तो आपने देखा होगा कि जो मार्केट में मटर आती है उसमें हल्की सी मिठास रहती है, तो ये चीनी कई काम करेगा, मिठास भी लाएगा और चीनी से जो आपकी मटर है वो फ्रेश रहेगी, जल्दी सड़ेगी भी नहीं। और तीसरी चीज़ ये है कि चीनी से मटर का कलर ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे हम लोग अचार में अगर हल्की सी चीनी मिला देते हैं तो अचार काफ़ी समय तक फ्रेश बना रहता है, उसमें फफूंद नहीं आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी ज़रूरी है, आपकी इतनी छोटी चम्मच चीनी से मटर ज़्यादा मीठी नहीं लगेगी, केवल हल्की सी मिठास आएगी। तो चीनी हमारी घुल चुकी है, तो आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से चीनी लें जिस हिसाब से मैंने 250 ग्राम दाने में एक छोटी चम्मच चीनी ली है। अब हम यहाँ पर 1/4 चम्मच डालेंगे नमक। नमक भी काम करता है, मटर को ख़राब होने से बचाता है। अचार में नमक का बहुत ज़रूरत होती है, जिस तरह से फफूंद आने से बचाती है उसी तरह यहाँ पर भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो नमक चीनी आपकी मटर को फ्रेश रखेगी, कड़ा रखेगी बिल्कुल, और हरी भी रखेगी। अब हमने जो दाने लिए हैं, जब आपकी दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएं पानी में अच्छे से, तो हम इन दानों को पानी में डाल देंगे। ये देखिए हमने पानी में इनको डाल दिया है और अब हम केवल एक बार इसको चला देंगे और करीब हम सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए फुल तेज आंच कर देंगे। और केवल आपको समय देखना है, 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। 2.5 मिनट में आपकी जो मटर के दाने हैं हल्के से नरम हो जाएंगे। हमें सिर्फ हल्के से नरम करना है, दानों को बॉयल नहीं करना है। अगर आप बहुत अच्छे से बॉयल कर देती हैं तो ये दाने आपके टिकेंगे नहीं। तो केवल हमको केवल हल्का सा ही इसको बॉयल करना है। तो 2-2.5 मिनट तक हम इसको बॉयल होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मटर जैसे बॉयल हो रही है हल्की हल्की, तो ऊपर की ओर आना शुरू हो गई है। तो करीब अभी हमारा 1 मिनट ही हुआ है, तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए और बॉयल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि करीब हमारे 2.5 मिनट हो चुके हैं और हमारी मटर हल्की सी नरम हो चुकी है। तो हम गैस को कर देते हैं बंद।
तो आप देख सकते हैं कि जो मटर है आपकी बिल्कुल ज़्यादा नहीं गली है, ज़ोर से दबाने पर ही ये टूट रही है। तो इतनी ही हमें मटर चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलग निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप मटर को नीचे उतारें, आपको एक अलग कटोरे में बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है। यानी कि आप पानी बिल्कुल फ्रिज का ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मटर को ब्लेंच करने वाले हैं। ब्लेंच प्रक्रिया कहलाती है कि एकदम गर्म मटर को एकदम से ठंडे चिल्ड वाटर में डालना, या मटर को, गरम मटर को एकदम से ठंडा करना, इसको ब्लेंच कहा जाता है। तो जो मटर हम बनाने वाले हैं फ्रोज़न, इसको हमें ब्लेंच करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे कि मटर के दानों को हम इस तरह से निकालेंगे और डायरेक्टली हम फ्रिज के पानी में डाल देंगे, यानी कि बिल्कुल चिल्ड वाटर में हम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी मटर ठंडे पानी में निकाल ली है। अब आपको इस मटर को करीब 3 से 4 मिनट तक ठंडे पानी में डला रहने देना है, ताकि ये बिल्कुल से, जैसे फ्रोजन मटर होती है हल्की सी सिकुड़न आ जाती है, ये उसी टाइप की हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मटर बिल्कुल फ्रोजन जैसी दिखने लगी है, इसमें हल्की सी सिकुड़न जैसी आने लगी है। हम इसको थोड़ी देर तक और रखे रहने देंगे तो ये बिल्कुल सेम जैसी हम मार्केट से लेकर के आते हैं पैकेट वाली मटर, जो बड़ा वाला पैकेट आता है, सॉफ्ट मटर रहती है, सेम वही रूप ये ले लेगी। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन है, डार्क ग्रीन हो चुका है। तो ऐसा ही आपका कलर बना रहेगा। तो चलिए इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पानी में ही डिप रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब हम आपको मटर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपकी है ना मार्केट जैसी फ्रोज़न मटर, बिल्कुल इसमें देख सकते हैं आपकी हल्की सी सिकुड़न भी आ गई है, जैसे कि वहाँ की मटर में होती है। तो बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी फ्रोज़न मटर बन चुकी है। अब बारी आती है इसको हम स्टोर कैसे करें। ये तो ठीक है कि फ्रोज़न मटर बनकर के कंप्लीट है, लेकिन अब हमें इसको स्टोर भी तो करना है। तो स्टोर के लिए सबसे पहले तो हम इस तरह की कोई छन्नी ले लेंगे, जिससे चावल वगैरह आप छानते हैं, पानी हमारा बाहर निकल जाए, तो हम इसमें सारा पानी इसका छान लेते हैं। और इसको हम थोड़ी सा इस तरह लिए रहते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो अभी देखिए हमारा पूरा पानी तो निकल नहीं पाया है, क्योंकि इसमें पानी अभी भी लगा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि कोई भी एक ट्रे ले लीजिए या थाली ले लीजिए, उसमें आपको एक कपड़ा बिछाना है। तो देखिए, हम साल भर के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। तो अब हम इसमें इस मटर को डाल देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा का पानी है वो सारा निकल जाए, जितनी मटर हमारी गीली है। और इसको भी हम इस तरह से ढककर रख देंगे, और हम सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट ही ढकेंगे। कुछ हम इस तरह से कर देते हैं ताकि इसका सारा पानी जो है कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। बिल्कुल सूखी मटर हो जानी चाहिए, यानी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए पूरा पानी, वरना पानी जो है मटर में सड़न पैदा कर देगा। तो पानी ख़त्म हो जाना चाहिए, नमी सारी। तो इसको हम इस तरह से करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि पानी ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, करीब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पानी, कपड़े ने काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए नीचे कितना गीला कपड़ा हो चुका है, ऊपर भी काफ़ी गीला कपड़ा हो गया है। तो अब हम इस मटर को अलग फिर से एक कटोरे में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना गीला कपड़े ने कितना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, सारा मटर का पानी निकल गया। तो अब हमारी मटर फाइनली स्टोर करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब हम स्टोर किस चीज़ में करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप या तो ऐसा कोई एयरटाइट डिब्बा ले लें बड़े साइज का, तो एक तो हम इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि बस मटर को आपको इस तरह से एक डिब्बे में भर करके रख देना है। ये देखिए आपकी मटर बिल्कुल सेफ है, बस डिब्बा आपका एयर टाइट होना चाहिए। आप इसको एयर टाइट डिब्बे में भरें और जा करके फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख दीजिए, साल भर के लिए आपकी स्टोर है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब अगर आप डिब्बे में नहीं रखना चाहती, डिब्बा ज़्यादा जगह घेर लेता है,
तो आप इस तरह की कोई पॉलीथिन भी ले सकती हैं। लेकिन पॉलीथिन लेंगी आप तो इसमें एयरटाइट नहीं होती है, तो आप दो पॉलीथिन डबल कर लें। तो आप इस तरह से इसको पॉलीथिन में भरें, ये देखिए आप इस तरह से इसको भर लें और इसमें दो गांठ लगा दें और आप फिर एक पॉलीथिन और ले लें और उसको डबल कर दें। तो डबल करने से एयर बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी और आपकी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। या आप चाहे तो जो जिप लॉक वाली पॉलीथिन आती है, फ़िलहाल मेरे यहाँ नहीं है, तो जिप लॉक वाली पॉलीथिन में भी आप ऐसा कर सकती हैं, इसको स्टोर कर सकती हैं, उसकी सारी एयर निकाल दें और इसको स्टोर कर ले। जैसे ये है तो इसको आप दबा दीजिए तो इसकी धीरे धीरे सारी एयर अंदर की निकल जाएगी। तो ये देखिए सारी एयर निकल चुकी है पॉलीथिन की, ये देखिए बस अब आपकी स्टोर करने के लिए रेडी है। तो अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, आप चाहें तो जिप लॉक में भी कर सकती हैं, तो उसमें भी अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो रक्षा की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रोज़न मटर को ज़रूर आप बना करके देखें, ट्राई करके देखें, आपके ये बिल्कुल साल भर के लिए डेफिनेटली स्टोर हो चुकी है, आपकी ख़राब नहीं होगी। और देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमारी मार्केट वाली जो फ्रोज़न मटर होती है इतनी सॉफ्ट होती है, हम लोग सोचते हैं इसमें ये लोग क्या करते हैं बॉयल करके रखते हैं, तो इसको फुली बॉयल नहीं करना है, हाफ बॉयल ही करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।